नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। नजर डालेंगे बांदा की खबर। बांदा देहात कोतवाली क्षेत्र में स्कूल की तीन छात्राओं की संदिग्ध हालत में हालत बिगड़ गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज का मामला बताया जा रहा है। तीनों को आनंद फानंद में एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया, जहां तीनों का इलाज चल रहा है। छात्राओं की हालत कैसे बिगड़ी, यह बात अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। बांदा जनपद के देहात कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पचनेही निवासी अवधेश की 16 वर्षीय बेटी कक्षा 11 की छात्रा विनीता, राजू की 14 वर्षीय पुत्री कक्षा 10वीं की छात्रा ज्योति व वेद प्रकाश की 16 वर्षीय पुत्री कक्षा 12वीं की छात्रा निधि इंटर कॉलेज में पढ़ती है। तीनों सुबह अपने अपने घरों से कॉलेज गई थी। दोपहर करीब 2 बजे पहले निधि की अचानक हालत बिगड़ गई। उसके सीने व सिर में तेज दर्द की शिकायत रही। परिजनों को सूचना देने के साथ बेहोशी की हालत में स्कूल स्टाफ ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद विनीता व ज्योति की हालत बिगड़ गई। इन दोनों के भी सीने और सिर में दर्द की शिकायत थी। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ज्योति के पिता व विनीता की नानी हसीमा ने बताया कि बच्चियों को पहले कभी इस तरह की दिक्कत नहीं हुई थी। घर से खाना खाने के बाद लंच लेकर स्कूल गई थी। अचानक कैसे हालत बिगड़ी, वह अभी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। स्कूल में पढ़ने गई एक साथ तीन छात्राओं की हालत बिगड़ने से स्कूल स्टाफ भी सकते में रहा है। तीनों का बांदा जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बांदा से अल्तमश हुसैन की रिपोर्ट। गांव के पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज की छात्राएं अचानक बीमार हो गई, क्या वजह रही? जैसा कि मैंने देखा, अभी चारों बच्चों को एक जैसे ही लक्षण थे, सीने में दर्द और घबराहट वगैरह। तो जिसमें से तीन बच्चे एकदम ठीक है, एक बच्ची को ज्यादा तकलीफ थी, तो अभी फिलहाल उनको भी आराम आ गया है। क्या बताया जा रहा है हालत को लेकर के? हालत चारों बच्चों की एकदम स्टेबल है, ठीक है चारों।